So hello ladies, welcome back to my channel Kokita's Corner. So today I'm gonna try Odarian से तेजू का ये वाला look. आपने मेरी पहले वीडियो देखी होगी, मैंने जैस्मिन का लुक ट्राई किया था, तो आज मैं ट्राई करने वाली हूँ तेजू का लुक, ये वाला लुक. तो फिर देखते हैं, शुरू करते हैं. सो आई एम हेयर विदाउट एनी मेकअप, क्योंकि इसके बाद मैं मेकअप अप्लाई करूंगी या बाकी सारी चीजें करने वाली हूँ. तो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो. इस वाले लुक के लिए जो सबसे पहली चीज है वो है हेयर कर्लिंग. मैंने यहाँ पे खुद ही अपनी हेयर कर्ल की हुई है, दैट इज हीटलेस कर्लिंग, जो कि मैंने इस तरह से ओवरनाइट अपने आप को हेयर कर्ल किए थे और उसके बाद मेरा ये रिजल्ट आया. तो काफी अच्छे कर्ल्स आए थे, बट आई कॉम्ब दिस साइड, जिसकी वजह से मेरे यहाँ के सारे कर्ल खुल गए हैं. तो मैंने इधर के बालों को कॉम्ब नहीं किया ताकि मेरे कर्ल कुछ इस तरीके से रहे. एंड सेकेंड थिंग इज दिस आउटफिट. सो आई वॉन्टेड टू मेक तेजोस दिस लुक बिकॉज आई डू हैव द सेम आउटफिट एज लाइक तेजो. तो ये रहा वो ड्रेस, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यही वाला मैं लुक ट्राई करूँ तेजो का. तो ये मैंने इंस्टाग्राम से परचेज किया था, सेम टू सेम. सबसे पहले मैं कैरी कर लेती हूँ ये आउटफिट, उसके बाद शुरू करते हैं अपने लुक को. तो अब शुरू करते हैं मेकअप. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेकअप के लिए मैं यहाँ पे बालों को थोड़ा पीछे कर लेती हूँ. वैसे आई कैन यूज हेयर बैंड, बट हेयर बैंड से मेरे बाल बिगड़ जाएंगे. तो मॉइस्चराइजर और प्राइमर मैं दोनों पहले ही लगा चुकी हूँ. तो अब मैं फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ अपना फेवरेट फाउंडेशन, वन एंड ओनली Maybelline Fit Me Foundation शेड नंबर 128. विद द ब्लेंडर पहले मेरा फेवरेट सीरियल हुआ करता था उड़ारियां, बट नाउ उसमें ऐसा ट्रैक आ गया है कि अब आई डोंट सी इट. सिर्फ एक ही सीरियल था जो मेरा फेवरेट हुआ करता था, बट नाउ अब मैं वो भी नहीं देखती हूँ. यू नो स्टार्टिंग में जो है काफ़ी अच्छे अच्छे सीरियल आते हैं, स्टोरी काफ़ी अच्छी होती है, पर धीरे धीरे जो है सीरियल की स्टोरी जो है ख़राब हो जाती है. तो यहाँ पे मैंने अपना Fit Me फाउंडेशन है उसे अच्छे से कर लिया है. और आपको पता ही है कि मैं कंसीलर के लिए ओलिविया मेकअप स्टिक यूज़ करती हूँ अंडर आई एरिया पे. चला था थोड़ा सा फोरहेड पर लगा, क्योंकि फोरहेड मेरा थोड़ा सा अनइवन दिखता है. यहाँ पे तेजू की जो है आईब्रो थोड़ी सी लंबी है और थोड़ी सी मोटी है, तो मैं ट्राई करती हूँ अपनी आईब्रोज को फिल करने का. क्योंकि हम फेस पे फाउंडेशन लगाते हैं, इस वजह से थोड़ा आईब्रोज के वहाँ पे भी हमारा फाउंडेशन लग जाता है. इसलिए मैं क्या करती हूँ, जो मस्कारा होता है उससे थोड़ा आईब्रो को सेट कर लेती हूँ. दैट्स इट. तो अब मैं लगा लेती हूँ आई शेडो, क्योंकि इस लुक में जो है सारा पिंकिश पिंकिश लुक है तेजो का, तो मैं भी ट्राई करती हूँ. तो मैंने अपनी क्रीज लाइन के लिए यहाँ पे यूज किया है एक न्यू डार्क शेड. तो हियर इज अ पिंक कलर, और अपनी आईलिड पे लगा लूंगी, पूरी आईलिड पे सारा का पिंक कलर लगा लूंगी. कोई एक्स्ट्रा कलर्स यूज नहीं कर रही हूँ, बस दो कलर लिए हैं, एक क्रीज लाइन एंड दूसरा आईलिड के लिए. आई शेडो लुक कंप्लीट हो गए, थोड़ा सा मैं इनर कॉर्नर पे लगाऊंगी. या डन विद द आई पिकअप. तो फॉर द ब्लश, क्योंकि इस लुक में जो है ब्लश तो दिख रहा है तेजो का, आई एम यूजिंग माई लिपस्टिक. हल्का सा लगाऊंगी क्योंकि आई डोंट लाइक ब्लश, बट इस लुक के लिए आई हैव टू ट्राई दिस, जस्ट दिस वन. मैं
तो यहाँ पे एक साइड ब्लश लग चुका है, अब मैं दूसरी साइड भी इसे ब्लेंड कर लेती हूँ। एक्चुअली हाथ से अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। ओके, तो आई एम डन विद द ब्लश। ओके, सो फॉर द लिपस्टिक आई डोंट हैव द सेम कलर, बट ये मुझे थोड़ा सा डार्क लग रहा है, तो लेट्स सी। ओके, ये थोड़ा सा डार्क शेड है, तो इसको लाइट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी थोड़ा सा फाउंडेशन। सो आई एम टेकिंग फाउंडेशन, लेट्स सी कि ये मेरे लिपस्टिक के कलर को लाइट करता है कि नहीं। या मच बेटर। फाउंडेशन ने काफी हद तक मेरी लिपस्टिक के कलर को लाइट कर दिया था, तो आप लोग भी चाहे तो ये वाली ट्रिक यूज कर सकते हैं। या इट्स नाइस, इसने सेम टू सेम कलर मेरा बना दिया है जैसे दे चुका है। और इस लुक में काजल को अच्छे से डिफाइन नहीं किया है, बट थोड़ा सा यहाँ पे काजल जरूर अप्लाई करूँगी। ओके, डन विद द काजल एंड एट द लास्ट स्टेप मस्कारा। मेकअप ऑलमोस्ट डन, बहुत ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे कॉन्टोरिंग बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें यूज़ नहीं की हैं, जो रिक्वायर्ड थी वही चीज़ें मैंने यहाँ पे यूज़ की। तो अब बारी आती है इयरिंग की, तो तेजो ने यहाँ पे पर्ल वाले समथिंग कुछ इयरिंग पहने हुए हैं, बट आई डोंट हैव देम, तो मैं एज माई फेवरेट इनको वेयर कर सकती हूँ, या फिर मैं सिल्वर ज्वेलरी के साथ जा सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कैरी कर लिए हैं, और तेजू के थोड़े हेयर्स की वजह से ना उसके इयरिंग दिख नहीं रहे हैं, तो एडजस्ट कर लेती हूँ। नाउ इट्स टाइम टू वेयर चूड़ा। तो मैं जितने जिन्हें चूड़ा पहना है, तो मैं भी यहाँ पे अपने चूड़ा को कैरी कर लेती हूँ। इसके अलावा शी इज वेयरिंग द डायमंड बिंदी। आई होप इट इज विजिबल टू यू। तो अब इसके बाद मैं अपने बालों को थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ, जिससे कि थोड़ा लुक ठीक आए। So now at the last step, she is carrying a dupatta. I think I have completed the look. सो गाइज, तो मैंने यहाँ पे काफ़ी चीज़ मैच करने की कोशिश की है, तो कमेंट करके बताइएगा कि क्या चीज़ आपको सही लगी और क्या नहीं लगी। तो फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू इन माई नेक्स्ट वन, बाय।